गोरखपुर जिले में रविवार को 170 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष और एक 52 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,231 हो गई है। अब तक 280 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 15,393 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1558 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर की बात करें तो 82 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में रविवार को सबसे अधिक 27 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 14, शाहपुर थाना में 21, रामगढ़ताल में 4, कोतवाली में 3, गुलहरिया में 4, राजघाट में 3, चिलुआताल में 2, तिवारीपुर में 4 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 72 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 13, खोराबार में 9, पिपराइच में 2, कैंपियरगंज में 5, ब्रह्मपुर में 10, खजनी में 5, बड़हलगंज में 3, कोड़ीराम में 2, बटट में 4, सहजनवा में 2, गोला में 3, गगा में 3, जंगल कोड़िया में 1, सरदारनगर में 3, पिपरौली में 1, पाली में 3, बेलघाट में 3 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 16 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की भी अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।